प्रदेश में लगातार किरकिरी हो रही है योगी आदित्यनाथ की। जी हां, सीएम योगी आदित्यनाथ की लगातार मनीषा वाल्मीकि रेप और फिर उनके साथ की गई बर्बरता को लेकर लगातार योगी सरकार सभी के रडार पर है। जी हाँ, योगी सरकार को अपने बीते इतने सालों में किसी चीज़ की इतनी आलोचना नहीं झेलनी पड़ी थी जितना मनीषा वाल्मीकि के लिए झेलनी पड़ रही है। और अब तो हमारे भोजपुरिया स्टार्स भी आ गए हैं सामने। जी हाँ, सभी योगी आदित्यनाथ से गुहार कर रहे हैं, जितने भी आरोपी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा हो या उन्हें फांसी पे लटकाया जाए। जी हाँ, जिस तरह की बर्बरता उन्होंने मनीषा के साथ दिखाई है, 19 साल की लड़की जिसे रेप करने के बाद वो अपनी ज़ुबान ना खोल सके, उसके लिए उसकी जीभ काट दी जाती है और ऐसी स्थिति में ला दिया जाता है कि मरने के अलावा उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। ऐसे में 4 आरोपियों को दोषी बनाया गया है और ये कहा जा रहा है कि मनीषा के परिवार वालों की भी यही डिमांड है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उन्हें बख्शा ना जाए। ऐसे में सभी ने अपनी आवाज़ बुलंद की है, फिर वो चाहे खेसारी लाल यादव हों, पवन सिंह हों, अक्षरा सिंह हों, काजल राघवानी हों या फिर हों निधि झा, भोजपुरी की ऑलमोस्ट सारी हीरोइनें ए लिस्टेड हों या फिर डांसर हों या फिर मॉडल हों, कोई भी हो, सभी ने बहुत ज़ोर शोर से आवाज़ उठाई है और निरहुआ भी इसमें पीछे नहीं है। आपको बता दें कि रवि किशन को Y+ सुरक्षा देने के बाद अब योगी सरकार फिर लोगों के निशाने पर है। सभी कह रहे हैं पहले बेटियों को सुरक्षा दो, जो सुरक्षित है उन्हें क्यों सुरक्षित कर रहे हो। आप क्या सोचते हैं इस मामले में, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए।